हमारा तिरंगा, मुझे बहुत 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 पसंद है हमारा झंडा है हमारा तिरंगा। भारत माता की जय। ये बाबरे वो देखो ना पानी का बहुत, ये सारा सारदा का पानी यहाँ से बह रहा है और कितना प्यारा लग रहा है ना। हाय नमस्कार, मैं उषा बोरा उत्साह वर्ल्ड हैशटैग ब्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ फिर से घर से। और सबसे पहले तो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ, इष्ट देव की कृपा है और आशा करती हूँ कि आप भी सब ठीक होंगे। बाबा ब्यानधुरा और माँ पूर्णागिरी का आशीर्वाद आप सब पे हमेशा बना रहे। और आज हम जा रहे हैं, थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा पता नहीं कहाँ तक जाते हैं। सोचा तो नेपाल जाने की है पर शायद ही जा पाएंगे, पुल तक जा रहे हैं और अभी निकलते हैं। जानिए हूँ एक का सॉन्ग कहती हूँ, पहला 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 जा वरुण ना हूँ जन भाव कह लिया है, एक बार भी नहीं जाया हूँ। तो हम निकल गए हैं और पति देव ने स्कूटी चला रखी है, हम सुबह ही निकल जाते पर इन्होंने कल से मेरा मूड खराब किया था तो हमारी लड़ाई हुई थी इसलिए हम अभी तक नहीं निकले। अभी इन्होंने मनाया है तो अब चलते हैं। चलो ये हमारे हरे हरे यहाँ पर तो अगल बगल में खेतों में हो रखी है आजकल खेती और हम निकल रहे हैं नेपाल के जा तो जा ही रहे विदेश समाज। खतरा नहीं तो कह रहे हैं कि अपने देश में भारत में ही रहो, विदेश में नहीं ले जाऊंगा। अब पता नहीं क्या होता है, देख के आते हैं। पर बस हम पुल कह रहे थे, वो पुल कहाँ है अभी? वो पुल से जाते थे शायद, बड़ी सी नदी के साथ पुल आता था वो तो वहाँ पड़ता है। एक दिन लखनऊ में इन्होंने हमें लुल्लू मॉल में रात 12 बजे बुला दिया। तुमने बुलाया हो, मेरे को याद था लेकिन आपने याद नहीं रखते। मेरे को क्या, मैंने क्या बुलाया? हम मैप में देख रहे थे और फिर उसका फोन ही स्विच ऑफ हो गया आधे रास्ते में पहुंचा के। मेरी क्या गलती? ये है ये नदी आ गई, शारदा नदी शायद, मैं आपको दिखाती हूँ। इस पानी को देख कैसा लगता है, सीधे चल देंगे इसके ऊपर ना, इतना वो शांत बिल्कुल। वैसे ही मेरे हिसाब से पानी की एक कहानी बताओ, ये जितना शांत दिखता है ना ये उतना ही खतरनाक होता है। जैसे मेरे पति पानी की तरह ही है, वो भी शांत स्वभाव बिल्कुल, बहते हुए जो कह दो वो करते हुए, और पता नहीं चलेगा इनके अंदर बहाव कितना है और कभी अपना विकराल रूप धारण कर ले कि जैसे ये शांत स्वभाव उसके बाद बहता हुआ विकराल रूप धारण हो जाता है अचानक से, पता नहीं चलता है इनका क्या बुराई कर रहे है, तुम अच्छा ही कर रहे हो मेरी। फिलहाल तो आप जो समझो मैं वो ही कर रही हूँ आपकी। अब करो क्यों ना करूँ, देखो इतनी अच्छे से बह रहे हैं। गड्ढा चौकी यही होगा, अभी हम कहाँ हैं फिर? भारत में नेपाल, अभी भारत में, अब नेपाल में हो जाएंगे गुरुवार। तो फिर इसमें तो गेट तो कुछ लगा ही नहीं है सीमा। बहुत ही डरावनी रोड लग रही है मेरे को तो ये।
वाह इतने डरावने, उसमें मैं कहाँ आई हूँ कभी। बाबरे वो देखो ना पानी में, बोल रही थी ना जितना शांत होता है नहीं, इधर को डर नहीं लग रहा, इधर को डर लग रहा है। ये मैं ऐसे पुलों से कभी नहीं गई हूँ, वैसे तो है ये बिल्कुल नॉर्मल, पर मेरे को पता नहीं क्यों पानी से इतना डर लग रहा है। मुझे नहीं पता था मैं इतना डरती हूँ घर के पानी से। कुछ बोलोगे नहीं, पानी से तो कोई भी डरता है। तुम भी डरते हो क्या? पानी से तो कोई भी डर नहीं अपना सर। बापरे ये देखो गड्ढे आए, इसका मतलब मैंने अपने बब्बा को पानी नाम दिया, तो इसका मतलब हाँ ये ऐसे बाबा इतने खतरनाक ही है। हमारा झंडा बिल्कुल हमारे साथ बहुत खतरनाक हुआ, हालांकि हम भी आर्मी की बहुत बहुत इज्जत करते हैं, पर डांट पड़ गई। वीडियो बना रही थी तो उसको एडिट करना था, तो मैम अच्छी थी जो थी हमारी, उन्होंने अच्छे से समझाया कि इसको एडिट करने में डिलीट कर देना, वो मैं कर दूंगी। और हमको सबसे के हेलमेट पहन के जाना पड़ता है, हम बिना हेलमेट पहने जा रहे हैं। हेलमेट उतार के जाओ बोल रहे हैं अभी, हेलमेट उतार के यहाँ से वो आ गया नेपाल, आ गया वो नेपाल का फ्लैग वो है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, आज मतलब आ गए बट डर और सब कुछ मिल गया है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। कहाँ से हम पहले घूम लिए होते क्योंकि बता नहीं सकती मैं आपको, बाद में कभी अगले ब्लॉग में बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं, वो है नेपाल। पर हमारे भारत का क्यों नहीं है, भी भारत देश में आपका स्वागत है क्यों नहीं लिखा कहीं पर वो? और ये नेपाल का फ्लैग, अभी भारत देश में आपका स्वागत है, मैं आपको विदेश, हम फॉरेन चले गए रे, हम विदेश चले गए। हम पहुंच गए नेपाल में, पर हमारे पास है नहीं ओरिजिनल आरसी, तो इस वजह से हम हो गए हैं पैदल, गाड़ी करनी पड़ रही है हमें यहाँ पार्क। और अब हम जाएंगे यहाँ से ऑटो पकड़ के महेंद्र नगर घूमने, और देखते हैं महेंद्र नगर कैसा है क्या है। छोटी सी मार्केट है शायद, तो कुछ पसंद आएगा तो नेपाल से लेके जाएंगे। और हस्बैंड गए हैं अभी पार्क करने, तो फिर निकलते हैं, अभी देखते हैं कैसा है आगे को महेंद्र नगर। पहले हम क्या बोलूँ हो गई है, मैं ना बोर हो गई हूँ यहाँ, सही बताऊँ तो। अब ओरिजिनल आरसी नहीं थी, फोटोकॉपी तो थी, पर यहाँ ओरिजिनल ही मांग रहे हैं, तो चलते हैं देखते हैं कुछ होता है तो। अगर हमारा अब ऑटो बाइक पकड़ के ही जाएंगे हम यहाँ से, और हमारा यहाँ एक्स्ट्रा रुपये दे दें, वैसे 50 रुपये सवारी, 60 रुपये देने पड़ेंगे शायद हमें, 10 रुपये एक्स्ट्रा, देखते हैं क्या करते हैं ये लोग। और सबसे मेन प्रॉब्लम है यहाँ नेटवर्क की, नेटवर्क नहीं है यहाँ, नेटवर्क होता तो चल जाता। हम चल रहे हैं ऑटो पकड़ के और गाना लगा रखा है, समझ में नहीं आ रहा है पर धुन बहुत अच्छी लग रही है ना। इनका कोरोना आजकल आ रखा है, सुबह से मास्क पहन रखा है इनने, इनको टेंशन हो रही है मेरी गाड़ी को कुछ खोना चाहिए। महेंद्र नगर ये है मार्केट है यहाँ की, बस ऐसे ही घूमने को ही है, देखते हैं क्या होता है, कुछ मिलता है कहीं जाते हैं आगे को कुछ खाते हैं। यहाँ ये मिलता है क्या है, होटल सिलेस, दारू, पता नहीं है दारू कौन सी दारू है, इनको दारू दिख रही है, अब ये नेपाल आकर के पीना शुरू करते हैं शायद। अच्छे लग रहे ना हम दोनों वीडियो में, तो हाँ मैं आजकल छोटी लग रही हूँ इनसे, या मैं नीचे साइड चल रही हूँ पता नहीं। हाँ नीचे साइड चल रही हूँ,
नदी के साइड ही चल रही और छोटे छोटे होते जा रहे थे हर यहाँ जगह जगह में। इनकी नजर सब जगह दारू में ही जा रही है और इनको कुछ नहीं दिख रहा है। बता रहा हूँ आपको मैं, महेंद्र नगर आने से पहले इंडियन SSB से मुझे पड़ गई थी डांट और अब चलते हैं हम। पता नहीं हम कहाँ घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, नेटवर्क कुछ है नहीं, रोड कुछ ऐसी है। दिखाती हूँ बैक कैमरे से, ये है यहाँ के रोड के हाल फिलहाल। ये है महेंद्र नगर की मार्केट, सीधे चलो वहाँ को। ये रही मार्केट, मतलब जगह जगह धामी धामी जी का है नाश्ता। अभी हमने यहाँ कंबल के रेट पूछे तो उन्होंने बोला कि 2780 रुपए यहाँ है नेपाल, यहाँ दिख रहे हैं बहुत कंबल है, तो यहाँ पूछते हैं पहले, कोई है ही नहीं। ये तो यहाँ 2700, ये 2700 कुछ का ये नेपाली करेंसी है और हमारी इंडिया में ये 1700 है, बहुत फर्क है ना। देखते हैं कोई आता है तो। एक जगह देखे हमें कंबल ही कंबल, तो वहाँ आदमी नहीं दिखा कोई, आगे कोई चलते हैं। यही बिकता है क्या नेपाल में सबसे ज्यादा? यहाँ ना सिर्फ मुझे दारू ही दारू दिख रही है। मेरा कर रहा था मोमो खाने का मन, कहाँ नहीं, कुछ स्कूल का है यार। स्टाफ है वो भी। मेरा कर रहा था यहाँ मोमो खाने का मन, और जहाँ कहीं भी कुछ भी छोटा मोटा ढाबा वगैरह दिख रहा है नेपाल के मोमो खाऊंगी सोचा था, तो इसके पापा बता रहे हैं वहाँ सब दारू ही दारू की बोतलें रखी हैं यार। ये स्टेडियम टाइप पार्क, तो हम लग रहा है मेरे को वापसी करनी है अब हमने। हाँ मेरे को भूख भी लग रही है, कुछ खरीदने की सोची थी कुछ ऐसा मिला नहीं खरीदने लायक। अपने वहाँ खाएंगे, देखेंगे कहीं कुछ टेस्टी लगेगा तो बिना दारू की बोतलों का। फ्रूट का फ्रूट कितना चलेगा? बॉम है 180 किलो, किलो कैसे? अगर महेंद्र नगर में आए तो खाने का विचार करके आए, क्योंकि हम क्योंकि हम लेडीजों के लिए तो यहाँ खाने लायक मुझे नहीं लगता ये कुछ होगा। अभी जहाँ देखो वहाँ पीने पीने का है, खाने का सामान बहुत कम दिख रहा है। मेरे को कुछ भी खाने को नहीं मिला यहाँ, हम भूखे जा रहे हैं नेपाल से। ये नेपाल की करेंसी 20 रुपए। हमारी स्कूटी में बैठ गया है बंदर और मुझे अपने पास आने भी नहीं दे रहा है, काटने को आ रहा है, उसके पास जा रही हूँ तो डिग्गी खोल रहे हैं पड़ा है डिग्गी वो खाने के लिए। देखते हैं इसके पापा आ रहे हो, हिला रहा है उसको। मेरे को मैं वहां जा रही हूँ, मेरे को काटने को आ रहा है। ऊपर चढ़ जा रहे, आके दिखाओ बल तू। ये तो वृंदावन जैसा हो गया, मेरे को फ्रूटी दे। और चल दिए हम यहाँ महेंद्र नगर से नेपाल की तरफ। अभी मुझसे ऑटो वाला कह रहा है आपने कुछ नहीं खरीदा महेंद्र नगर में आके, आपके चेंज नहीं हुए बोल रहा है। मैंने कहा हमारा कुछ चेंज नहीं हुआ, कुछ पसंद नहीं आया हमको महेंद्र नगर का। और अब हम नेपाल की सीमा से बाहर को निकल रहे हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं, आपको दिखाएंगे भारत देश में। आपका स्वागत है, सबसे प्यार सबसे महान अपना भारत। हाँ खींचो यहीं से, खींचो यहीं से, साफ आ रही भारत में आपका स्वागत है। ये वाला पानी भी खोलते हैं इस साइड में, पहले खोला नहीं था इधर साइड से, तो कम पानी आ रहा था इधर, बहुत आ रहा है ना। ये सारा सारदा का पानी यहाँ से बह रहा है और कितना प्यारा लग रहा है ना।
मतलब आवाज इतनी डेंजर है, लोगों ने बहुत ज्यादा पानी देखा होगा इससे भी, पर मैंने ज्यादा नहीं देखा है, बस नानक सागर और यही देखा है, तो बहुत ज्यादा ही लग रहा है मेरे को। पानी का कौन सा कलर होता है कोई बता सकता है? मैं सही बताऊं, मेरी बहुत आंखें चकरा रही हैं यहाँ पर बनाने में वीडियो। पतिदेव आ गए हेलमेट खोलते हुए, ला आपकी फोटो खींचू पलटो, या हीरो टसन पोज ना होनी मैंने, पर अपने भारत की हवा का स्वाद ही कुछ और है। और पेट में लग गई है बहुत जोरों की भूख, मेरे को पता नहीं कहाँ खिलाने वाले हैं। और फिर अभी हम यहाँ से सीधे जाएंगे मार्केट, घूमने जाएंगे मार्केट में, कुछ काम है तो हम लोगों से मिल के आएंगे और उसके बाद जाएंगे घर को। बहुत धूल उड़ रही है, इतना मुँह में इतना धूल धूल चली गई है, क्या मतलब इतना बना बना के पूछ रहे हैं। देखो तो क्यों आपने नहीं बोला था, या चूड़ी पहनाऊंगा करके हाथों में भर भर के। अच्छा ठीक है, पहनूंगी पहनूंगी। लग गई है बहुत भूख और हमने मंगा रखा है डोसा और हम खा रहे हैं। पति को भूख नहीं लगी, हमने क्रीम रोल खा रखा है, मैंने भी खा रखा है, पर इनको क्रीम रोल से पेट भर गया और फर्स्ट में यही खा रहे हैं। तो खिला रहा हूं मैं, खा नहीं रहा हूं। चलो खा लेते फिर आपको यो सिड़ुक चा पिन्ना की। अरे वाह,